Friends, I hope you're all doing well. Now we are approaching towards the end of our lecture series for governance and public policy. कुछ importance के हामिल हमारी चीजें रह गई हैं, जिनमें से एक बहुत important चीज आज हमने cover करनी है, which is the role of planning institutions in policy coordination. Policy coordination से मुराद policy making का process, policy implementation का process. वो सारे स्टेप्स जो पब्लिक पॉलिसी के साइकिल में हमने पढ़े थे, उनमें से काफी ज्यादा चीजें जो है वो पॉलिसी कोऑर्डिनेशन में आती हैं. तो वो कौन कौन से रेलिवेंट इदारे हैं. ऑल्दो हमने जब पब्लिक पॉलिसी का साइकिल पढ़ा था तो हर स्टेप पे जो जो स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हो, चाहे वो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में हो, पॉलिसी इवेल्युएशन में हो, ठीक है, पॉलिसी लिजिटिमेशन में हो, वो सारे हमने कवर किए थे. लेकिन आज के लेक्चर में हमने स्पेसिफिकली पाकिस्तान का जो फेडरल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, रूल्स ऑफ बिजनेस जो फेडरल गवर्नमेंट के हैं उसके अकॉर्डिंग, उनमें वो कौन कौन से इदारे हैं, वो कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज हैं, वो डिविजन्स हैं, ठीक है, वो कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, और उनके स्पेसिफिक रोल्स क्या हैं, वो हमने अप टू द पॉइंट स्पेसिफिक होकर रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो पढ़ने हैं कि अगर किस इदारे का अगर कोई रोल है तो वो कितना रोल है, वो अपने पावर्स और मैंडेट कहाँ से डिराइव करता है, उसकी कोऑर्डिनेशन किस दूसरे इदारे के साथ किस तरह से होती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट आए तो उसकी रेजोल्यूशन कैसे होती है, वो अप्रूवल अथॉरिटी कौन सी है. ये सारी अब हमने थोड़ी सी स्पेसिफिक होकर जो चीजें हैं वो कवर करनी है इंशाल्लाह इस मॉड्यूल में, रोल ऑफ प्लानिंग इंस्टीट्यूशन इन पॉलिसी कोऑर्डिनेशन में. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट. यस, सो ये वो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, जिनमें वो तमाम इदारे प्लानिंग इंस्टीट्यूशंस के जब हम बात करते हैं तो वो इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए, और उनकी डिटेल्ड मैंडेट को समझने के हवाले से, उनकी पावर्स को समझने के हवाले से जो रेलिवेंट सोर्सेज हैं वो भी मैंने बहुत डिटेल में मेंशन कर दिए. तो सबसे पहला प्लानिंग इंस्टीट्यूशन जो पॉलिसी कोऑर्डिनेशन के हवाले से इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑफ कोर्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस. इसकी पावर्स को समझने के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 90 और रूल्स ऑफ बिजनेस का जो डॉक्यूमेंट है उसको रेफर करेंगे. रूल्स ऑफ बिजनेस में वाजह करता चलूं कि रूल्स ऑफ बिजनेस बुनियादी तौर पर रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट है. ये फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपना डे टू डे बिजनेस जो है वो किन रूल्स के अकॉर्डिंग कंडक्ट करती है. ये आप सिंपल गूगल पर जाकर रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 लिखिए, आपको एक पीडीएफ फाइल जो है वो टॉप पे ही नजर आ जाएगी. ये एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जो वेबसाइट है वहां पर मोस्ट अपडेटेड वर्जन इस डॉक्यूमेंट का अवेलेबल है, ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन को तो फिर आप एक्सेस कर ही सकते हैं. दूसरा प्लानिंग इंस्टीट्यूशन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बाद वो फेडरल गवर्नमेंट है, जिसकी मैंडेट को समझने के लिए भी आप कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 90 को रेफर करेंगे. उसके बाद काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है आर्टिकल 153 में, जो कि हम बहुत डिटेल में ऑलरेडी फेडरलिज्म इन पाकिस्तान के मॉड्यूल में कवर कर चुके हैं. फिर नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल आर्टिकल 156, फिर हमारी डिफरेंट रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज और डिविजन्स हैं जो कि रूल्स ऑफ बिजनेस में जिनका मैंडेट बहुत क्लियर करके लिखा गया. फिर एक सेक्रेटरीज कमेटीज है, ये भी रूल्स ऑफ बिजनेस में हम पढ़ेंगे क्या होती है. उसके बाद प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, देन एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल है, और उसके बाद फाइनली इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ द कैबिनेट. ये वो तमाम इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो पाकिस्तान में पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी इवेल्युएशन के हवाले से अपना किरदार डिफरेंट स्टेजेस ऑफ पॉलिसी साइकिल में अदा करते हैं. तो इन सबको बारी बारी हम डिटेल में अब देखना शुरू करते हैं. सोर्सेज मैंने आपको अभी जिक्र भी किया था, मजीद डिटेल में मैंने यहाँ लिख दी है. ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक करने के प्लानिंग इंस्टीट्यूशंस का आपने इन चीजों को रेफर करना है, इन सोर्सेज को. कॉन्स्टिट्यूशन में से एक तो ओवरऑल गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी के टॉपिक के लिए भी बहुत जरूरी है, सिर्फ इस मॉड्यूल के लिए ही नहीं, ओवरऑल जिन जिन लोगों ने भी ये सब्जेक्ट ऑप्ट किया है उन लोगों के लिए प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 29 से लेकर 40 तक दिए गए हैं, उनकी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग लेना बहुत जरूरी है, ठीक है. ऑल्दो सिर्फ 11 है, अगर आप मेमोराइज कर लें आपकी फिंगर टिप्स पे हो ताकि आप रेलिवेंट रेफरेंसेस दे सके जब जब उससे रेलिवेंट कोई पब्लिक पॉलिसी का क्वेश्चन आए तो बहुत अच्छी बात है.
अगर फुली मेमोराइज नहीं भी कर सकते फिर भी ओवरऑल एक इनकी अंडरस्टैंडिंग लेना कि बुनियादी तौर पे कैटेगरीज क्या है इन प्रिंसिपल्स की, वो बहुत जरूरी है इस सब्जेक्ट के हवाले से. ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी क्या होते हैं? ये बुनियादी तौर पे वो गाइडलाइंस है, वो डायरेक्शंस है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने रियासत पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान से मुराद हमारी फेडरल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट सब हैं और बाकी तमाम इदारे, उनको दी है कि वो अपनी पॉलिसीज इन उसूलों को मद्देनजर रखते हुए बनाएंगे जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी में दिए गए हैं. ठीक है, इनका फंडामेंटल राइट्स के साथ डिफरेंस ये है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो लीगली इन्फोर्सेबल होते हैं, वो आप कोर्ट में जाकर क्लेम कर सकते हैं. अगर उनके वायलेशन हो तो आप कोर्ट में क्लेम कर सकते हैं कि मेरे साथ ज्यादती हुई है और कोर्ट उसकी बुनियाद पे एक्शन लेती है. वो अगर कोई एग्जेक्टिव या लीगल एक्शन पास किया गया है, कोई लॉ पास किया गया है जो फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग नहीं है तो कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है. लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी दे आर मोर लाइक गाइडलाइंस, ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है. लाइक आप कोर्ट में जाकर ये नहीं कह सकते कि रियासत जो है वो देखे उसने ये लॉ बनाया है ये इस प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है. लाइक फॉर इंस्टेंस प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक पॉलिसी तो ये कहता है जी कि उसमें फॉर इंस्टेंस अगर मैं कोई बात करूं कि औरतों के हवाले से जो है वो एक आर्टिकल मौजूद है कि रियासत पाकिस्तान औरतों के लिए जो उनके सरकमस्टांसेस हैं वो फेवरेबल बनाने के लिए हर तरह के इकदाम लेने की जो है वो पाबंद होगी, उसे लेने चाहिए. ठीक है, ताकि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको कम से कम जो है वो किया जा सके, ये कोई प्रिंसिपल जो है वो दिया गया है. ठीक है, अब ये इसकी बुनियाद पे आप जाकर कोर्ट में ये क्लेम नहीं कर सकते कि चूंकि ये इस प्रिंसिपल में बात की गई है और ये जो एक्शन हुकूमत ने लिया है ये इस प्रिंसिपल के जो है इन अकॉर्डेंस नहीं है तो इसको स्ट्राइक डाउन करें, वो कोर्ट नहीं करेगी. ठीक है, हाँ अगर किसी फंडामेंटल राइट में ही लिखा गया है ठीक है कि देर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स. फॉर इंस्टेंस मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, ठीक है, मैं हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल्स ये दे रहा हूँ, अभी एग्जैक्ट आर्टिकल्स मुझे याद नहीं है, तो फिर आप उस फंडामेंटल राइट की बुनियाद पे जरूर वो क्लेम कर सकोगे कोर्ट में जाके कि उसको स्ट्राइक डाउन किया जाए. ठीक है, तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स के दरमियान जो है वो डिफरेंस है. ठीक है, उसके बाद आप दूसरा सोर्स पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 90 से 99 तक, जो कि फेडरल गवर्नमेंट और पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव ब्रांच को बहुत डिटेल में डिलिनिएट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं फेडरल गवर्नमेंट क्या है. ठीक है, कौन कौन से रेलिवेंट उसमें इदारे हैं, डिफरेंट उसकी पावर्स और थोड़ा बहुत प्रोसीजर्स के हवाले से भी वो बताती है. इवन ये जो रूल्स ऑफ बिजनेस हमने आगे पढ़ने हैं ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का आई बिलीव इफ आई एम नॉट रॉन्ग आर्टिकल 99 है, इन दो आर्टिकल्स में से ही एक है जिसमें बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट को ये रूल्स बनाने की इजाजत दी गई है कि आप अपना बिजनेस कंडक्ट करने के लिए डिटेल में ये रूल्स बना सकते हैं. उसके बाद फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 1 और 2, इनको एक नजर आपने जरूर देखना है. इनका डिफरेंस मैंने बहुत डिटेल में फेडरलिज्म इन पाकिस्तान का जो मॉड्यूल है वो क्लियर कर दिया हुआ है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में फर्क क्या है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के साथ क्या लिंक है इसका फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट का, तो आप ये भी जरूर देखिएगा. अगला सोर्स रूल्स ऑफ बिजनेस 1973, इसका मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ. इसमें बुनियादी तौर पे तमाम जो पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज और डिविजन्स हैं दे हैव बीन गिवन देयर रिस्पेक्टिव मैंडेट्स फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन और इवेल्युएशन व्हाटएवर द केस में भी. ठीक है, तो उसमें बहुत डिटेल में आपको सारी जो मिनिस्ट्रीज और डिविजन्स हैं उनके रोल्स की क्लैरिटी हो जाएगी कि कौन से डिविजन का क्या काम है, आपस में कोऑर्डिनेशन कैसे होती है और ये सारी चीजें बहुत डिटेल में करना जरूरी नहीं है. अभी आप लोग सिविल सर्वेंट्स नहीं बने, इंशाल्लाह जब बनेंगे तब आपको बहुत डिटेल में फिंगर टिप्स पे हिफ्ज होने चाहिए ये रूल्स ऑफ बिजनेस, हमें करवाए जा रहे हैं ट्रेनिंग में, लेकिन अभी के लिए आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग लेना और इन सारे प्लानिंग इंस्टीट्यूशंस का एटलीस्ट रोल समझना ये बहुत जरूरी है रूल्स ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग. तो लेट्स स्टार्ट विद प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस. Prime Minister's office, Prime Minister, as we know, is the chief executive of the federation. ठीक है? ये कहाँ लिखा है? ये Constitution के Article 90 में लिखा है, जिसमें ये लिखता है Constitution के the executive और क्यों जरूरी है definitely क्योंकि policy formulation, implementation हम बहुत detail में पढ़ चुके हैं जो हमने multi-level governance in Pakistan का module पढ़ा था कि executive branch का जो है उसमें क्या role है policy के हवाले से coordination के. तो जाहिर बात है चीफ एग्जीक्यूटिव का रोल है, इट वुड बी ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस इन दिस साइकिल. तो चीफ एग्जीक्यूटिव इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द फेडरेशन एंड
Article 90 states that the executive authority of the federation shall be exercised in the name of the president by the federal government, ठीक है, consisting of the prime minister and the federal minister. यहाँ आपको federal government की definition मिल गई है. Federal government, prime minister plus federal ministers का नाम है. ये federal government होती है. Which shall act through the Prime Minister, who shall be the Chief Executive of the Federation. आपको ये भी पता लग गया इस आर्टिकल में कि Prime Minister जो है वो Federation का Chief Executive है. अच्छा, ये जो यहाँ बात लिखी गई है कि Authority shall be exercised in the name of the President, ये basically आपको पता है कि पाकिस्तान के Parliamentary System में President का Ceremonial Role है, एक Figurehead है सिर्फ. तो Executive Authority ना बस नाम की exercise की जाती है President के नाम पर. Like, कोई भी एग्जीक्यूटिव डिसीजन लिया जाएगा ना, वो ऐसे लिखा जाएगा कि इट इज ऑर्डर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, दिस डिसीजन इज बीइंग टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट. लेकिन वो सिर्फ एक सेरेमोनियल बात है. एक्चुअल में जो उस पावर को वील्ड करता है ऑफिस, वो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है. और कॉन्स्टिट्यूशन के एक आर्टिकल में ये भी लिख दिया गया है कि प्रेसिडेंट अपनी पावर्स की एक्सरसाइज में प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर एक्ट करने का पाबंद है. तो इस लाइन से कंफ्यूज नहीं होना कि प्रेसिडेंट के नाम पर एक्सरसाइज की जा रही है तो प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव कैसे हो गया. असल अथॉरिटी पीएम के पास ही है, जस्ट नाम प्रेसिडेंट के इस्तेमाल हो रहा है सेरेमोनियली. अदरवाइज प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर ही एक्ट कर रहा है. वेस्टमिंस्टर जो सिस्टम है पाकिस्तान का, जो कि हमने ग्रेट ब्रिटेन से इनहेरिट किया, यहाँ का जो हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें बेसिकली प्राइम मिनिस्टर्स हाउस इज द पावर हाउस ऑफ पब्लिक पॉलिसी मेकिंग. सारी पॉलिसीज जो है, उनकी गाइडलाइंस, डायरेक्शंस, वो इस ऑफिस से, प्राइम मिनिस्टर के ओरिजिनेट होती है, क्योंकि वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, रूलिंग पार्टी का हेड होता है. ठीक है, जाहिर बात है कि उसके विजन के अगेंस्ट जो है कोई भी पॉलिसी नहीं बनाई जा सकती. और ये चीज सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है, ये आपके रूल्स ऑफ बिजनेस के सेक्शन 5 में भी लिखी गई है कि नो इम्पोर्टेंट पॉलिसी डिसीजन शैल बी टेकन एक्सेप्ट विद द अप्रूवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. एग्जैक्ट आपको मैंने रेफरेंस भी दे दिया. तो आइडियली द प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, इट फॉलोज द रूलिंग पार्टीज मैनिफेस्टो फॉर पॉलिसी डायरेक्शन. ऑफ कोर्स कि जो भी रूलिंग पार्टी होगी, लाइक आजकल पीटीआई है, तो डेफिनेटली उसका जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग, जो इलेक्शन मैनिफेस्टो, इलेक्शन में आने से पहले सारी पार्टीज देती है, उसके अकॉर्डिंग ही कोशिश करेगा कि अपनी पॉलिसी बनाए. बट हमें सब पता है कि जो रियल पॉलिटिक्स होती है, रियल पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं, उसमें डेफिनेटली आपको ऐसे डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं which are not always in accordance with the party manifesto. लेकिन बहरहाल as a general rule, party manifesto जो है वो एक डॉक्यूमेंट के तौर पे सर्व करता है, ब्लूप्रिंट के तौर पे सर्व करता है रूलिंग पार्टी के पॉलिसी इकदामात के लिए. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हमने कवर किया. उसके बाद हम फेडरल कैबिनेट पे आते हैं, जो कि अगला प्लानिंग इंस्टीट्यूशन है पॉलिसी कोऑर्डिनेशन के हवाले से. कैबिनेट क्या होती है जी, ये भी हमें रूल्स ऑफ बिजनेस बताता है. ठीक है, ये सारी चीजें रूल्स ऑफ बिजनेस में लिखी हुई है. कैबिनेट मींस द प्राइम मिनिस्टर एंड द फेडरल मिनिस्टर्स, राइट. ये वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है, नहीं वो फेडरल गवर्नमेंट का लिखा हुआ था, सॉरी. ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हमें रूल्स ऑफ बिजनेस में मिलती है. फेडरल कैबिनेट अंडर द प्राइम मिनिस्टर एक्सरसाइजेस द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, जो कि हमने ऑलरेडी देखा पिछले आर्टिकल में. The members of the cabinet must be members of either house of the parliament. ये एक parliamentary system जो पाकिस्तान का है, उसकी requirement है कि cabinet के जो full time members हैं, उनका national assembly या senate का member होना जरूरी है. अगर तुम members नहीं है तो federal cabinet का full fledged part नहीं हो सकते. Yes, prime minister dependent upon the situation advisors appoint कर सकता है, लेकिन उनका वो दर्जा जो है वो फेडरल मिनिस्टर के उस तरीके से फेडरल कैबिनेट का हिस्सा नहीं होते. वो फेडरल कैबिनेट की मीटिंग में बैठकर उसमें कैबिनेट मेजर्स जो कैबिनेट के सामने डिसीजंस होते हैं उन पे वोटिंग नहीं कर सकते. वो एज एडवाइजर प्राइम मिनिस्टर से डेलीगेट की गई पावर को एक्सरसाइज जरूर करते हैं, लेकिन वो कैबिनेट का बहरहाल परमानेंट हिस्सा नहीं होते एडवाइजर्स जो है आपके. ठीक है, क्योंकि उसके लिए मेंबर पार्लियामेंट होना जो है वो जरूरी है. ये भी रूल्स ऑफ बिजनेस में लिखा गया है कि द कैबिनेट शैल बी कलेक्टिवली रिस्पांसिबल टू द सेनेट एंड नेशनल असेंबली. ये 18वीं तरमीम के बाद हुआ है, उससे पहले कैबिनेट की जो जवाबदेही है, रिस्पांसिबिलिटी सिर्फ नेशनल असेंबली के सामने होती थी, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद कैबिनेट को एज अ होल पार्लियामेंट को अकाउंटेबल कर दिया गया है, सेनेट को भी और नेशनल असेंबली को भी. ठीक है, मतलब ये मिनिस्टर्स जो हैं, जो सेनेट के होते हैं, नेशनल असेंबली के, वो इन हाउसेस में जाते हैं,
वहां पे इनके ग्रिलिंग होती है, क्वेश्चन आंसर सेशंस होते हैं, ये उनके जवाब देते हैं मेंबर्स के, हुकूमत के पॉलिसी इकदाम को डिफेंड करते हैं, कोई रेलिवेंट अपनी मिनिस्ट्री से रिलेटेड बिल इंट्रोड्यूस करवाना हो वो करवाते हैं। तो इस तरीके से इनकी बहुत ज्यादा एक्टिव कोऑर्डिनेशन पार्लियामेंट के साथ जो है वो चलती है। तो कैबिनेट जो है ये मैंने अभी बता भी दिया इसी में कि इट सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच आपकी प्राइम मिनिस्टर प्लस कैबिनेट है जो कि जाहिर एग्जीक्यूटिव फंक्शंस निभा रहे हैं, लेकिन साथ साथ चूंकि ये लोग सब पार्लियामेंट के भी मेंबर्स हैं तो पार्लियामेंट में ये जाकर वहां पे पॉलिसी मेकर्स को डिफेंड करते हैं, बिल्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं, वहां पे जो उनकी ग्रिलिंग होती है, क्वेश्चन आंसर के जवाब देते हैं, उसके थ्रू ये एक लेजिस्लेचर के साथ भी एक्टिव लिंक जो है वो मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कैबिनेट शेल नॉट एक्सीड 11% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। ये भी 18वीं तमीम के बाद रिस्ट्रिक्शन लगाकर पार्लियामेंट में आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो लिख दी गई है। तो ये थी फेडरल कैबिनेट जो कि एक और इम्पोर्टेंट इदारा है। और अगर एक दो इम्पोर्टेंट बातें फेडरल कैबिनेट के हवाले से देखें कि पाकिस्तान में, अब देखें हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था आप ब्यूरोक्रेसी का मॉड्यूल पढ़ते हुए, पब्लिक पॉलिसी साइकिल पढ़ते हुए, कि एट टाइम्स आपको पॉलिसी मेजर्स इंट्रोड्यूस करवाने के लिए अगर तो किसी पॉलिसी मेजर की लेजिस्लेटिव बैकिंग ना हो, रेलिवेंट लॉ उसके लिए एग्जिस्ट ना करता हो, तो बाज दफा नए लॉज भी पास करवाने पड़ते हैं। ठीक है, किसी पॉलिसी मेजर के लिए लाइक उसके लिए फॉर इंस्टेंस कोई लीगल मैंडेट फ्रेमवर्क एग्जिस्ट नहीं करता, कोई रेलिवेंट इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, उसके लिए बजटरी एलोकेशन नहीं हुई भी, तो उसके लिए आप एक लेजिस्लेटिव बिल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे डेफिनेटली। ठीक है, तो हुकूमत जो बिल इंट्रोड्यूस करवाती है, फेडरल गवर्नमेंट यानी कि फेडरल कैबिनेट जो बिल अपने पॉलिसी मेजर्स के लिए पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करवाएगी, दे आर कॉल्ड ऑफिशियल बिल्स, मतलब वो कैबिनेट ड्रिवन लेजिस्लेशन है जो कि पार्लियामेंट में पेश की जा रही है। हुकूमत वो बिल्स पास करवाना चाह रही है क्योंकि वो उसकी पॉलिसी मेजर्स के साथ जो है वो कंफर्म करते हैं और उसको बैकिंग प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा अगर कोई मेंबर पार्लियामेंट जो कि हुकूमत का मेंबर नहीं है, वो अपने ओन पर कोई बिल अगर पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो वो नॉन ऑफिशियल बिल होता है या इसे प्राइवेट मेंबर बिल भी कहते हैं। तो खैर, ऑफिशियल बिल्स जो है, नो ऑफिशियल बिल पर्टेनिंग टू अ पॉलिसी मैटर कैन बी प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट। तो ये आपको लिंक समझ आया कि पॉलिसी कोऑर्डिनेशन में देखिए कैबिनेट का कैसे एक सेंट्रल रोल बन रहा है कि कोई भी ऑफिशियल बिल जो हुकूमत ने पार्लियामेंट से पास करवाना है, जब तक वो कैबिनेट से अप्रूव नहीं होगा वो पार्लियामेंट में पेश ही नहीं किया जा सकता। और ये हमें कहां बताया गया है, ये हमें रूल्स ऑफ बिजनेस के सेक्शन 27 में बताया गया है कि जो रेलिवेंट डिवीजन है मिनिस्ट्री का, लाइक फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने जी या मिनिस्ट्री ऑफ वाटर ने कोई पॉलिसी मेजर लिया है जिसके लिए उन्हें एक लॉ की जरूरत है और वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर या मिनिस्ट्री ऑफ वाटर ने वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करवाना है, अब उसके लिए द डिवीजन कंसर्न शेल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनिंग द कॉन्टेंट्स ऑफ द प्रपोज्ड लेजिस्लेशन। पहले तो सारे कॉन्टेंट्स बनाएगा उस लेजिस्लेशन के, उसको ड्राफ्ट करेगा इन कंसल्टेशन विद अदर डिवीजन्स, अगर तो पैसों की जरूरत पड़ रही है तो फाइनेंस डिवीजन से कंसल्ट करेगा। ठीक है, फिर जाहिर है उसकी लीगल लैंग्वेज को फॉर्मुलेट करने के लिए वो लॉ एंड जस्टिस डिवीजन से कंसल्ट करेगा। ठीक है, फिर करने के बाद एंड फॉर ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट अंडर रूल 16(1)(a) टू द इश्यूज इन्वॉल्वड बिफोर आस्किंग द लॉ एंड जस्टिस डिवीजन टू ड्राफ्ट द बिल, बल्कि कैबिनेट का अप्रूवल उससे पहले जरूरी है कि वो सारे डिवीजन से कंसल्ट कर लेगा जो कि उसकी लेजिस्लेशन के साथ जो है वो रिलेट करते हैं। अब उसने लॉ एंड जस्टिस डिवीजन को ये कहना है कि हमने प्रिंसिपल्स ऑफ लेजिस्लेशन डिटरमिन कर लिया, अब आप जरा लीगल लैंग्वेज में हमें एक प्रॉपर जो है ना बिल ऑफिशियल कानूनी जबान में तैयार कर दो। लेकिन लॉ एंड जस्टिस डिवीजन को कहने से पहले कैबिनेट से अप्रूवल लेना जो है उस डिवीजन के लिए, उस मिनिस्ट्री के लिए वो जरूरी है। ये रूल्स ऑफ बिजनेस ने कदम लगा दिया। तो फेडरल कैबिनेट का इस हवाले से बहुत एक पिविटल रोल है गवर्नमेंट ड्रिवन लेजिस्लेशन को अप्रूव करने के हवाले से। ठीक है, सिमिलरली कुछ और अगर फेडरल कैबिनेट के और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के हम जरा पॉलिसी कोऑर्डिनेशन में रोल देखें तो सेक्शन 5 जो कि ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस के नाम से रूल्स ऑफ बिजनेस में है वो हमें कोई बहुत डिटेल्ड इसमें रोशनी डालने में हेल्प मदद करता है। वो ये कहता है कि नो इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन शैल बी टेकन एक्सेप्ट विद द अप्रूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, वी हैव सीन दिस ऑलरेडी। It shall be the duty of a minister to assist the prime minister in the formulation of policy. ठीक है, हर minister की जिम्मेदारी है कि prime minister ने उसे power delegate की है, जो minister assign की है, वो अपने prime minister को assist करेगा उस division के हवाले से relevant policy बनाने में।
The minister shall keep the prime minister informed of any important case disposed of by him without reference to prime minister. कि अगर मिनिस्टर ने कोई अपने ओन पर डिसीजन ले लिया है डेलीगेट की गई अथॉरिटी में से जिसके बारे में उसने प्राइम मिनिस्टर से अप्रूवल नहीं लिया तो वो इन्फॉर्म जरूर रखेगा प्राइम मिनिस्टर को कि मैंने ये डिसीजन लिया है और ये मैं आपको बता रहा हूँ ताकि प्राइम मिनिस्टर की कोई तहफुजात हो तो उस पर एक्शन ले सके. नो डिसीजन ऑफ पॉलिसी टेकन बाय प्राइम मिनिस्टर शैल बी वेरिएड रिवर्स्ड और इंक्रीज्ड विदाउट कंसल्टिंग हिम. कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने कोई एक डायरेक्शन जारी की थी और एक डिसीजन ले लिया था उसने एक डायरेक्शन क्लियर जारी कर दी थी अब उसके इस हुक्म को वेरी रिवर्स या इंफ्रिंज नहीं किया जा सकता उसको पहले से बताया हुआ है. ठीक है जिस केस में प्राइम मिनिस्टर की कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है उस केस में मिनिस्टर अपने ओन पे डिसीजन ले सकता है और वो लेने के बाद प्राइम मिनिस्टर को इन्फॉर्म करेगा कि ये मैंने लिए अगर तो वो कोई इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन नहीं है डे टू डे मैटर. लेकिन अगर कोई डे टू डे मैटर में भी कोई छोटे से छोटे मामले में भी प्राइम मिनिस्टर ने क्लियर डायरेक्शन जारी कर दी हुई है तो उसको रिवर्स या वेरी नहीं कर सकता मिनिस्टर अपने ओन पे प्राइम मिनिस्टर को पहले से बताए बगैर और उसकी इजाजत लिए बगैर. ठीक है तो सब्जेक्ट टू रूल सब रूल नंबर वन द मिनिस्टर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलिसी कंसर्निंग हिज डिवीजन. इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस प्राइम मिनिस्टर के अप्रूवल से ही होंगे लेकिन अगर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कोई दरमियाने या टर्शरी लेवल का पॉलिसी डिसीजन है वो मिनिस्टर जो है वो अपने कंसर्न डिवीजन के हवाले से वो पॉलिसी मेजर्स जो है वो अप्रूव कर सकते हैं. तो ये आपको बहुत डिटेल में मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ऑफ फेडरल कैबिनेट का रोल समझाया बाकी पॉलिसी इंस्टीट्यूशंस का रोल अब हम अगले स्लाइड्स में पढ़ते हैं. सेव गाइस देयर.